विधानसभा के तीन राज्यों के नतीजे आ चुके हैं। इसमें विधानसभा क्रमांक 86 कोतमा से भाजपा प्रत्याशी दिलीप जायसवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी सुनील सराफ को पराजित कर जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा प्रत्याशी खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाऊ लाल सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी रमेश सिंह को पराजित किया। पुष्पा राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी हीरा सिंह को पराजित कर लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। हालांकि पुष्पा राजगढ़ कांग्रेस का पूर्व से गढ़ ही माना जाता है। दिलीप भैया, उम्मीद की इतनी बड़ी जीत नहीं, पूरी उम्मीद पीछे से बोल के ऐसे रख रही है आवाज। जिस दिन से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया उसी दिन से कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएंगे, और जनता ने भी माननीय मोदी जी माननीय शिवराज जी की योजनाओं से इतनी प्रभावित थी कि कहीं कोई उनके मन में संशय नहीं था, किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं था। उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है निश्चित तौर पर ये मोदी जी और शिवराज जी के योजनाओं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को, और अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, और साथ ही यहाँ के मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मुझे विजय प्राप्त हुआ है। मतदाता जिस भावना के साथ मुझे निर्वाचित किया है, मैं उनके भावना का कदर करूंगा और उनके इच्छा के अनुरूप जो भी विकास के काम होंगे उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। जिले की पुष्पराजगढ़ विधानसभा सीट से ये जीत हमारे सभी कार्यकर्ताओं का है, जीत है मेरे आदरणीय मतदाताओं का, जीत है और क्षेत्रवासियों का जीत है।